हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये सुबह का टाइम है। बच्चों को सुबह स्कूल जाने के लिए उठाया था क्योंकि सुबह 7:30, 7:15 का टाइम हो रही है, क्योंकि आजकल बच्चों की टाइमिंग 8:30 की हो गई है, तो सुबह देर से उठ रहे हैं। तो 7:15 बजे करीब मैंने किचन में आना था, तो मैंने कहा सुबह आप लोगों को व्यू दिखाऊँ। ये 7:15 का टाइम है, बस बच्चों का लंच बनाऊंगी। रात में आलू के परांठे बनाए थे, तो सुबह यही सोचा था बच्चों को लंच में कटलेट्स वगैरह बना के फ्राई करके दे दूंगी। तो बस मैंने आलू बाहर निकाला, जो आलू का भरता का मिक्सचर बनाया हुआ था उसी को मैं कटलेट्स में फ्राई करके, कटलेट्स की तरह ना बच्चों को फ्राई करके दे दूंगी लंच में। तो बस अंडा लिया, उसमें मैंने जल्दी जल्दी बच्चों को ये करके देना था ताकि बच्चे, क्योंकि ना आजकल ना तो आजकल बच्चों का ऐसे ही रूटीन चल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। बच्चों का मंथली जो असेसमेंट्स वगैरह होते हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो बच्चे काफ़ी बिजी भी हो गए हैं और फिर बच्चों को भूख का भी थोड़ा सा मसला चल रहा है। तो बच्चों ने कहा कि नहीं थोड़ा सा लाइट ही दे दें, कितना मुश्किल, यानी कि आज फ्राइडे भी था तो बच्चों ने कहा वैसे भी हाफ डे है तो आप हमें थोड़ा हल्का ही लंच दीजिएगा। तो फिर मैंने रात को ही पूछ लिया था कि लंच में क्या दूँ, तो उन्होंने कहा हाँ आप यही दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तो बस मैंने ये कटलेट सिंपल से बना दिए थे बच्चों को और बच्चों को ये लंच में दे दिया था। इनको फ्राई कर, यानी कि इसी तरह से ना आप बना लें और फिर अंडे में डिप करके और फिर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके इसको फ्राई कर लें हल्की आंच पे, तो ये बच्चे इंजॉय कर लेते हैं। मैं केचप वगैरह साथ रखती हूँ, दे देती हूँ ताकि बच्चों को ना फीका ना लगे या फिर बच्चे थोड़ा सा ना वो ना करें कि आज लंच कैसा दिया। पूछ के दिया था, कभी बच्चे शौक से खा लेते हैं, कभी कभी मूड नहीं होता, लेकिन ये था कि बच्चों ने शौक से खा लिया था। बाद में पूछा था कि सही रहा, क्योंकि इसमें चिकन वगैरह तो डाली नहीं थी, सिंपल कटलेट्स की उसमें दाल रख के दे दिया था और मैंने कोई चिली सॉस, सोया सॉस वगैरह भी नहीं डाला हुआ था। इसमें जो परांठों वाला मिक्सचर होता वही था, तो बस फिर मैंने इसमें ना अच्छी कोटिंग कर ली थी ताकि बच्चों को क्रिस्पी लगे ना, और केचप दे दिया था तो बच्चों ने शौक से खा लिया था। तो बस आज फ्राइडे का डे था, तो आज मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि बच्चे स्कूल जाएंगे उसके बाद जो है मैं चिकन वगैरह निकाल के रख दूँगी। आज चिकन कोरमा बनाने का प्लान था, तो मैं आप लोगों से वो भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो ज़रूर यानी कि पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आज का पूरा दिन का व्लॉग जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज सुबह से आप लोग के साथ आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे का जो व्लॉग है ना वो मैं पूरे डे का बनाऊँ और बाकी दिनों में आप लोग से रेसिपीज शेयर किया करूँगी। अच्छा, ये फ्राई पैन थोड़ा सा नया है ना, तो इस चमचे से ना थोड़े से निशान आ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखें। इन फ्राई पैन्स के लिए जो है ना आप ना कोई और ही चमचा यूज़ करें, क्योंकि कभी कभार ये इशूज़ हो जाते हैं कि ना वो निशान वगैरह आ जाते हैं, नए फ्राई पैन भी ख़राब ही हो जाते हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं होता नया लेने का भी। तो बस मैंने इन कटलेट्स को निकाल लिया था और इनको जो है ना साइडों से ऐसे सेक लें पकड़ के ना चिमटे से, तो उसको राउंड राउंड कर दें तो ये अच्छे से सेक जाएंगे। बस फिर बच्चों का लंच बॉक्स पैक किया, उसके बाद बच्चे स्कूल चले गए थे। अच्छा, मैंने भी अपने लिए कटलेट्स फ्राई कर लिया था, मैंने एक अपने लिए रख लिया था ताकि मैं भी अपना एक सैंडविच बना के खा लूँगी। ये मुझे भी अच्छा लगता है ना, इस तरह से आप सैंडविचेस वगैरह बना के खा लो, रोज़ रोज़ हाफ फ्राई और अंडा स्लाइस वगैरह खा के इंसान बोर हो जाता है। कभी सोचते अपने लिए भी सैंडविच और अच्छे से अहतमाम करें कि अपने लिए भी कभी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस मैंने अपने लिए कटलेट्स फ्राई कर लिया था क्योंकि मिक्सचर भी ख़त्म हो गया था भुरता का, तो मैंने कई कटलेट्स अपने लिए कर लेते हैं। इसमें मैंने ना 1000 आइलैंड वाला जो सॉस है ना वो डाला था, वो ट्राई करना था। मैंने मंगवाया तो था लेकिन अभी तक ट्राई नहीं किया है मैंने, तो मैंने कहा चलो अपने सैंडविच में ही ट्राई करते हुए ताकि नेक्स्ट टाइम ना बच्चों को बर्गर वगैरह बनाऊँगी तो फिर ट्राई कर लूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा इरादा है बीफ बर्गर बनाने का, तो मैं उसमें ये सॉस ट्राई करूँगी फिर आपसे शेयर करूँगी। तो बस मैंने अपना सैंडविच इसी तरह से बना लिया था। वो जो अंडा बचा था ना बच्चों को कटलेट्स बनाने में, जो अंडा बच गया था उसका मैंने ये बना लिया था, फ्राई कर लिया था इसको, और इसको सांस अपने सैंडविच की मैं बना लिया था और साथ ही चाय और अपना नाश्ता कर लिया था, क्योंकि नाश्ता मुझे जल्दी करके मैंने फारिग होना था, क्योंकि फिर मुझे चिकन वगैरह को भी देखना था, क्योंकि चिकन वॉश वगैरह करनी थी, वो मैंने बाहर निकाल के रख दी थी सुबह में कि सफाई वगैरह से फारिग होकर फिर जो है सारी काम शुरू कर दूँगी। तो बस ये था, दोपहर का टाइम शुरू हो गया, 10 बज रहे थे, तो 10 बजे मैं किचन में आ गई थी, अपने नाश्ते से फारिग हो चुकी थी, तो ये 10 बजे का टाइम है और फिर मैं भी बस ये सुबह के 10 बज रहे हैं
तो बस मैंने कहा किचन में जाके आप लोगों से रेसिपी शेयर करती हूँ। 11:15 हो रहा है। अच्छा जी, आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन कोरमा की। तो लास्ट टाइम मैंने बीट कोरमा बनाया था तो उसमें से मैंने आधी चीज़ें रख ली थी, जिसमें से है प्याज का पेस्ट, तो ऐसी कच्ची प्याज रख ली थी, कोरमे का आधा पैकेट रखा हुआ है और दही का इस्तेमाल होगा, अदरक लहसुन का पेस्ट होगा और चिकन, इन चीज़ों के लिए बनेगा चिकन का कोरमा। तो अब स्टार्ट करते हैं कोरमे को। और बहुत ही आसान रेसिपी, पैकेट इस्तेमाल हो रहा है तो ऐसा सच कोई इतना कोई वैसे मसाले डलेंगे नहीं, सो मैं पैकेट ही इस्तेमाल करूँगी ताकि जल्दी से बन जाए। जुम्मे का दिन है, नमाज़ की तैयारी करनी है, तो दोपहर में बच्चे जब तक आएंगे खाना धो के नमाज वाज से फारिग होंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह खाना बन जाएगा, जब तक तो मैं खाना लगाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। मैंने 1 कप ऑयल लिया है क्योंकि बीफ के कोरमे में थोड़ा सा ऑयल कम रह गया था, तो मैंने चिकन कोरमे के लिए जो है ना क्या ऑयल का अच्छा इस्तेमाल करें ताकि रोगन ऊपर रहे तो कोरमे की ना अच्छी सी जो है ना शिकल आ सके, क्योंकि जब ऊपर कोरमे में ऑयल तैर रहा होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा आज जो है ना इस तरह से बना के थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लेती हूँ। तो बस मैंने ऑयल गर्म हो गया, इसमें मैं पीसी हुई जो मैंने प्याज थी ना वो मैं डाल दूँगी, उसको अच्छे से भून कर फिर मैं इसमें चिकन, अब बस मैं इसमें चिकन डाल दूँगी, प्याज को अच्छे से भून कर फिर इसमें चिकन डाल दूँगी। 1/2 kg के से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है, पूरा 1 kg नहीं है, इसमें मैं चिकन के पीसेस डाल दूँगी। चिकन डाल दिया, उसको मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि चिकन जो है ना और अदरक लहसुन के अंदर मैं पेस्ट डाल देती हूँ ताकि अच्छे से भून जाए, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद मैं सारे मसाले डाल दूँगी, इसको मैंने भून लिया, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ ताकि और अच्छे से भून जाएगा। इसमें 2 tablespoons जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ चिकन भुनेगी ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो उसको हमने अच्छे से अदरक लहसुन के साथ भूनना है ताकि अच्छे से चिकन जो है ना उसमें की चिकन की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी, अदरक लहसुन का फ्लेवर ही अच्छे से चिकन में आ जाएगा। देख सकते हैं कितना अच्छे से चिकन भुन गया अदरक लहसुन में। अब मैं इसमें ब्राउन पेस्ट जो प्याज का ब्राउन बना के पेस्ट बना के रखा हुआ ना वो इसमें डाल दूँगी। ये जो पेस्ट मैंने ब्राउन प्याज का बना के रखा हुआ है तो ये मैं डाल दूँगी। मैंने सब चीज़ें पहले से रेडी की हुई थी क्योंकि जो बीफ का कोरमा बनाया था उसमें से सब चीज़ें मैंने आधी आधी रख ली थी ताकि मुझे जब बनाना हो तो मुझे बहुत जल्दी होगी उस दिन, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं वाले दिन बहुत सारे काम लगे हुए होते हैं। तो पहले से डिसाइडेड था कि फ्राइडे को ही मैं चिकन का कोरमा बनाऊँगी, तो मैंने अब आधा सामान रख दिया था। तो बस ये पेस्ट रेडी है, इसको मैं डाल देती हूँ, साथ ही कोरमे का पैकेट आधा रखा हुआ है वो डाल दूँगी, क्योंकि कोरमे के मसाले में ना तेज़ी होती है तो आप आधा पैकेट ही इस्तेमाल करें, क्योंकि फुल चिकन यूज़ नहीं की है, 1/2 chicken है, तो इसमें ये आधा पैकेट काफ़ी रहेगा। और आधा कप ही जो है दही ले लीजिए, ये 1 और दही है, मैं इसमें से आधी दही लूँगी। अब इसमें प्याज वाला पेस्ट डाल दूँगी, मैं सही तरह करके डाल देती हूँ, ये मैंने डाल दिया है। अब इसी में साथ ही मैं दही भी और मसाले जो आधा पैकेट मसाले का कोरमे का रखा है वो डाल दूँगी। आधा कप दही में जो है ठीक है, उसमें मैं आधा पैकेट मसाले का डाल दूँगी, इसी में अच्छे से फेंक दूँगी और फिर मैं चिकन में डाल दूँगी। तो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मैं इसमें दही वाला पेस्ट डाल दूँगी। अच्छे से भून लूँगी और फिर मैं पानी ऐड कर दूँगी। अब देखिए चिकन की शक्ल कितनी अच्छी आ गई है। अब इसमें कि मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया है मसाले में, ठीक है, जब ये अच्छे से भून जाए अब इसमें 1 कप पानी डाल दो
इसको चिकन को तलने के लिए रख दीजिएगा। सारी बात ऑयल की है, आप ऑयल जितना अच्छा लेंगे चिकन में रोगन भी उतना ही अच्छा आएगा। कोरमे का रोगन ऑयल से आता है, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि ऑयल जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी चिकन का चिकन कोरमे में रोगन आएगा। तो बस इसको मैं अब पकने के लिए रख दूँगी। 10 से 15 मिनट में ये चिकन रेडी, 15 से 20 मिनट में चिकन रेडी हो जाएगी, क्योंकि अदरक लहसुन में और प्याज मैंने अच्छे से भून लिया था। अब ये पानी दही के पानी में अच्छे से गल जाएगी, थोड़ा सा जो एक कप पानी डाला है इसमें अच्छे से गल जाएगी और इसकी जो कलर है उसकी जो ग्रेवी है वो सब अच्छे से आ जाएगा। इसको बस पकने के लिए रख दिया ढाक कर ताकि पकता रहेगा। देखिए कोरमा तैयार हो गया, अभी थोड़ा सा दम पे रखा है मैंने इसको ताकि इसका जो रोगन है ना वो ऊपर तक आ जाएगा। ठीक है, तो कोरमा रेडी हो चुका है, अभी दम पे रहेगा। हम ऐसे नहीं खोले जाते चिकन कोरमा निकाल लिया था मैंने डिश में और देख रहे हैं सकते हैं कितनी अच्छी इसकी पिक्चर आई है। इसका अच्छा अच्छा रोगन भी था और बहुत अच्छा हो गया था। बस ये मैंने बच्चों के लिए दूध सेवइयाँ बना ली थी और बच्चों को दूध सेवइयाँ बना के दे दी थी ताकि बच्चे दूध सेवइयाँ शौक से खा लेंगे। चलो बेटा आ जाओ दूध सेवइयाँ खा लो। सो गुड मॉम। बस शाम में बच्चे मोबाइल ये कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे क्योंकि मंडे से असेसमेंट है, तो बस मैंने इन बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे दिया था कि रात को खाना होने से फारिग हो गए थे हम लोग, तो रात में वही चीज़ें रिपीट करनी थी जो दोपहर में था। तो बस यही था व्लॉग, आज का व्लॉग यही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।